हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ जो बहुत ही सुंदर और इजी है। ये देखिए, आप इसको किसी कार्डिगन में, जैकेट में या जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये 12 रोज़ में बना है, ये कंप्लीट हुआ है 12 रोज़ में और 7-7 फंदों के मल्टीपल से बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 19 फंदे लिए हैं। ये पैटर्न 7 फंदों में बनेगा तो 7-7 फंदे तो 2 पैटर्न में बन जाएंगे और 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, जिसमें से 2 एजेस के हो जाएंगे और 3 इस पैटर्न के लिए चाहिए होते हैं। तो 5 फंदे हमेशा एक्स्ट्रा ही लेना, 2 एजेस के काउंट करते हुए और 3 एक्स्ट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये राइट साइड से बनेगा। सबसे पहले ये एज का फंदा मैं इसको सीधा बुन लेती हूँ। ऊन को आगे किया, 4 फंदे उल्टे, अच्छा। इसके बाद ऊन को पीछे किया और 2 फंदे सीधे, ये 2। ऊन को आगे किया, 1 फंदा उल्टा। ये एक पैटर्न के लिए ये 7 फंदे बन चुके हैं, 3 4 7, ये एक पैटर्न बन चुका है। बस अब इसके बाद यही रिपीट पैटर्न होगा। तो हमें, जैसे हमने 4 फंदे यहाँ उल्टे किए, 4 फंदे फिर उल्टे करेंगे। अगर इसको भी हम काउंट कर लेते 5 फंदे हो जाएंगे वैसे, मगर 7 फंदों का ये पैटर्न है। 1 2 3 और ये 4। उनको पीछे किया, 2 सीधे, फिर उनको आगे किया, 1 फंदा उल्टा। ये दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और बाकी लास्ट की ये जो 4 फंदे, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और जो सेकंड रो है लेफ्ट साइड से, ये उल्टी बनेगी। पूरे पैटर्न में लेफ्ट साइड से उल्टा ही बुना जाएगा। ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो है, हमें फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है। पहले फंदा सीधा, ऊन आगे किया, 4 फंदे उल्टे, ऊन पीछे किया, 2 फंदे सीधे, ऊन आगे किया, 1 फंदा उल्टा। उसके बाद दूसरे पैटर्न के लिए 4 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, 2 फंदे सीधे, और लास्ट के सारे फंदे उल्टे ही आएंगे। ये इसकी फोर्थ रो है और जो लेफ्ट साइड से है, ये उल्टी ही बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसकी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है।
इस तरीके से हमें छः रो ऐसे ही बनानी है जैसे कि फर्स्ट रो बनाई है, उसी तरीके से छठी रो तक बनाने के बाद पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हमें ये फिफ्थ रो है, इसको भी इसी तरह बनाना है, चार उल्टे, दो सीधे, एक उल्टा, उसके बाद दूसरे पैटर्न के लिए चार उल्टे, दो सीधे, बाकी लास्ट के फंदे, एक उल्टा बुनने के बाद लास्ट के फंदे सारे उल्टे। ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है और सिक्स्थ रो है हमारी, लेफ्ट में ये उल्टी बुनी जाएगी। देखिए सिक्स्थ रो उल्टी बुनी जा रही है, ये देखिए ये सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो सेवन्थ रो है इसमें अब पैटर्न स्टार्ट हो गई है। देखिए पहला फंदा हमें सीधा ही बुनना है, ये इस फंदा है, उसके बाद हमें एक दो तीन फंदे उल्टे बुनने हैं और उनको पीछे किया। अब एक जो सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा है इनको दोनों को एक साथ बुनना है, दो का एक बनाना है इस तरीके से। इसके बाद एक जाली बनेगी, ये धागा उनको इस तरीके से लपेटना है। जाली बनाने के बाद इन दोनों फंदों को ऐसे उतारना है और फिर इसी सिलाई पे चढ़ाते हुए पीछे से दो का एक बनाना है। उसके बाद हमें ये तीन फंदे उल्टे बुनने हैं और फिर उनको पीछे किया, इन दो फंदों को एक साथ बुनना है जैसे इस तरीके से, आगे से सिलाई डालनी है ऐसे और दो का एक बनाना है। फिर उन ऐसे जाली के लिए जैसे बल दिया जाता है ऐसे बल देना है। उसके बाद इस तरीके से दोनों फंदों को उतारा, लेफ्ट नीडल लेते हुए बैक लूप से दो का एक बनाना है। ये दोनों पैटर्न हो गए कंप्लीट, उनको आगे किया, बाकी जो लास्ट के ये सारे चारों फंदे इन्हें उल्टा बुनना है। अब इसके बाद एट रो है, ये रॉन्ग साइड पे उल्टी ही बनेगी। ये सारी रोज जितने भी पैटर्न डालो, जितना बड़ा पैटर्न बनाओगे पूरी बैक साइड से उल्टी ही बनेगी। इस तरीके से उल्टी सिलाई पे ऐसे बुनना जाली वाला फंदा, ये देखिए इस ये वाला ऐसे बुनना है। ये एट्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब नाइन्थ रो पे हम ये देखिए पहला फंदा सीधा, उनको आगे किया, दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, इसके बाद उनको पीछे किया, ये और ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा दोनों को एक साथ मिलाते हुए आगे से दो का एक बनाना है। इसके बाद जाली बनानी है, ये बीच वाले फंदे को सीधा बुनना है, फिर जाली बनानी है, इसके बाद इन दोनों फंदों को ऐसे उतारना है और लेफ्ट नीडल पे लेते हुए उसे बैक लूप से दो का एक बनाना है। उनको आगे किया, अब एक फंदा सीधा उल्टा बुनना है, उनको पीछे किया, अब इन दोनों फंदों को एक बनाना है, जाली डाली, इसको सीधा बुना, फिर जाली डाली, इन दो फंदों को उतारा और इनको बैक इस लेफ्ट नीडल से लेते हुए ऐसे इस पर चढ़ा लिया और बैक लूप से लेते हुए दो का एक बनाना है और बाकी फंदों को उल्टा बुनना है। ये नाइन्थ रो कंप्लीट होगी। अब ये टेंथ रो है, टेंथ रो पूरी उल्टी बुनी जाएगी।
टेंथ रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इलेवेंथ रो पे हैं। ये देखिए फर्स्ट फंदा सीधा ही बुना जाएगा। अब हमें ऊन आगे करके दो फंदों को उल्टा बुनना है, एक और ये दो। उसके बाद ऊन को पीछे किया। अब हमें सिंगल, ये जो सीधा है फंदा, उसे सिंगल एक बार बुनना है। इसमें दो बार नहीं बुना जाए, डबल नहीं बुना जाएगा, मतलब दो जैसे हम एक साथ करते थे वो नहीं बुना जाएगा। अब हमें एक ही बार बुनना है इसे। सीधा बुनने के बाद इसमें जाली डाली, फिर हमें ये तीन फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो ये तीन। उसके बाद फिर हमने जाली डाली और इन फंदों को इस तरीके से उतारा, जैसे अभी उतारते आ रहे थे, ऐसे लेफ्ट लेते हुए बैक लूप से दो का एक बनाना है। इसके बाद दूसरा वाले पैटर्न, पहला फंदा सीधा, फिर जाली डाली, तीन फंदे सीधे, दो तीन, फिर जाली डाली, इन फंदों को ऐसे उतारा, ऐसे लेते हुए बैक लूप से दो का एक बनाना है और बाकी फंदे उल्टे बुनने हैं। ये इलेवेंथ सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ट्वेल्थ जो रो है वो हमें उल्टी बुननी है। ये ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हमारा पैटर्न ये कंप्लीट हो गया है, देखिए इस तरीके से ये आगे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक। अब इसके बाद फिर वही फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, वैसे ही रिपीट होगा। ये देखिए इस तरीके से मैं बताती हूँ, जैसे हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी ना, पहला फंदा सीधा और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बनाने के बाद ऊन को पीछे किया, दो फंदे सीधे, एक दो। उसके बाद एक फंदा हमें उल्टा बुनना है जो इस पैटर्न का है। अब हमें इसके बाद चार फंदे फिर उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार, ऊन को पीछे किया, दो फंदे सीधे और बाकी फंदे उल्टे टोटल। लास्ट वाला फंदा एज का है तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकती हैं, मैंने उल्टा ही बुना है इसे भी। और ये लेफ्ट साइड में ये उल्टी सिलाई है जो उल्टी ही बुनेगी। ये देखिए ये पैटर्न आपको अब समझ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फिर ये बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनता है।